लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। जनता तो है, मगर जनता का शासन तब तक नहीं आएगा जब तक लुटेरी भ्रष्टाचारी पार्टियों को आप टाटा बाय बाय नहीं करो। आपने सबके शासन यहां देखे, मैं आपके जख्म नहीं कुरो दूंगा। मुझसे पहले एमपी साहब इस बात को कह चुके हैं कि जब आप आरक्षण की लड़ाई लड़ने गए तो बीजेपी की सरकार ने आपको क्या दिया? 75 हमारे भाइयों के खून से होली खेली और हमारी शहादतों की मजाक उड़ाई। जब राजस्थान हरियाणा में आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने गए तो 50 से ज्यादा भाइयों के साथ खून की होली खेली। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे आए तो 17 भाइयों के छातियों में जो है गोली मार के उन माओं को जो है उनकी कोख सुनी करने का काम किया। और कांग्रेस ने जो दिया है वो पिछले 5 साल आप देख लो। पेपर पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो नौजवान अगड़ाई लेता है कि इस बार तो किसान कमेरे कमजोर मजदूर का बेटा मेहनत करके नौकरी प्राप्त करेगा। तो बस के बस में बैठ के पेपर लीक हो जाते हैं और विधायक और मंत्री जी के रिश्तेदार जो है वो नौकरी पाते हैं और नौजवान दूर खड़े होकर तमाशा देखता रह जाता है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो, चाहे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का हो जहां भाजपा की सरकार है या फिर यहां राजस्थान का हो, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय होगा या हमारे प्रदेशों में ज्यादा अन्याय होगा। आप यहां नौजवान बड़ी संख्या में हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता हो, बच्चियों को बहनों को देवियों की तरह पूजा जाता हो, जहां जिसको जानते भी नहीं हो उसको भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता हो, उस प्रदेश और देश में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकारों का आपके जीवन में क्या फायदा? अन्याय होने पे न्याय ना मिले, आवाज उठाने आंदोलन करने पे गोलियों लाठियों से स्वागत किया जाए, 700 किसान शहीद हो जाए और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द ना निकले, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपका भविष्य उज्जवल कर देंगे? आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपकी लड़ाई लड़ लेंगे? आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपको आगे बढ़ा देंगे? गरीबी हटाओ का नारा देते देते कांग्रेस के तमाम लोग धंधा सेठ हो गए और जो पूंजीपति कमजोर रह गए, अडानी अंबानी को उनकी चौकीदारी करने का फैसला देश के प्रधानमंत्री लिए बैठे हैं, अब वो आपके यहां आते हैं भगवान देवनारायण जी के मंदिर में तो लिफाफा 21 रुपए का लाते हैं और आपकी कीमती वोट लेके आपको ठेंगा दिखाते हैं। जो वादे आपसे करते हैं चुनाव से पहले उनको जमूला बताते हैं और आप बार बार उनसे ठगे जाते हैं। इसके लिए वो दोषी नहीं है मेरे लोगों, दोष हमारा है। हम भोले वाले हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, वो अपना काम करते हैं, मंदारी का काम है, वो डमरू बजाएगा, खेल दिखाएगा, बेवकूफ बनाएगा, आपकी जेब का पैसा निकाल के ले जाएगा और आप देते रहोगे। लोकतंत्र इसलिए आया था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ पाएगा। अभी हनुमान जी बेनीवाल कह रहे थे कि जुगाड़ करके हेलीकॉप्टर कराया है। इस देश में गरीबों को जब अपना छप्पर उठाना पड़ता है तो 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। तमाम 10 लोग मिलकर उस छप्पर में हाथ लगाते हैं तब जाके वो छप्पर पड़ता है। और किसी गरीब की बेटी होती है तो 100 लोग सहयोग करते हैं जब इज्जत से गरीब की बेटी अपने घर जाती। लेकिन इन सबको पीछे हटाते हुए भी इस लोकतंत्र में गरीब भी ताकतवर बन सकता है। ये राजस्थान आप सब जानते हैं, क्या कभी राजस्थान के में हुए किसी अन्याय पे आपको मुझे न्योता भेजना पड़ा क्या? बताओ, राजस्थान में कभी भी आप पे कोई जुल्म जाती हुई है क्या आपने मुझे न्योता भेजा क्या? आपके नेता पहले आए या चंद्रशेखर आजाद पहले आए? बताओ, जब भी चाहे सीएचए के बच्चों की लड़ाई हो जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की और सरकार ने निकाल फेंका, चाहे तृतीय श्रेणी के टीचरों की भर्ती टीचर्स का जो है ट्रांसफर का मामला हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो आपकी, चाहे जो जुल्म जाते अन्याय अत्याचार आपने देखा जितेंद्र मेघवाल के रूप में, इंद्र मेघवाल के रूप में, ओम प्रकाश रैगर के रूप में, कार्तिक भील के रूप में, तोला गुजर के रूप में, थाना गाजी के रूप में, ये सरकार यही थी ना, इनके नेता यही थे ना, इनकी ताकत यही थी ना। और मैं यहां की पुलिस को दोष नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस सरकार के अधीन होती। अगर सरकार ये कहेगी कि इसे बकस दो, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो उसको छूट मिल जाएगी, और सरकार कहेगी निर्दोष को जेल में छूट दो तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है।
अगर आप आपके पास ताकत है, करोड़ों रुपए से भी महंगी और एटम बम से भी ताकतवर आपके पास ताकत है आपके अंगूठे में। जब राजतंत्र था तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, ऊंट हाथी घोड़ों पर युद्ध होते थे, हजारों हजार लोगों की जान जाती थी। लेकिन आज लोकतंत्र है, आप चाहो तो बड़े से बड़े ताकतवर को धरती पर बिठा दो, और आप चाहो तो डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जैसे अपने संघर्षशील भाई को जयपुर भेज दो, विधानसभा भेज दो, ये आपके हाथ में। मैं बहुत बड़ी बात आपसे करता, लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव के बाद हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा क्या? चुनाव तो 10 दिन का है, हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जब तक उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी राजस्थान और पूरे देश में नहीं मिल जाती, हम तब तक लड़ते रहेंगे। अगर एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी हो आपको, तो इनके साथ खड़े हो जाओ, और अगर आपके लिए भारतीय जनता पार्टी को लात मार के, उनकी सुख सुविधा को लात मार के मेरे भाई हनुमान जी बेनीवाल अगर आपके लिए लड़े हों, तो इस बार चूको मत। अपनी कीमती वोट को, हमारे नेता मानेवर काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट को बेचना नहीं होता है, वोट को फेंकना नहीं होता है, वोट को किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपना होता है, ऐसे आदमी को जिसके हाथ आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने चार चार बच्चों को कुर्बानी देकर हमें वोट का अधिकार दिलाया। उनका सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब पढ़ लिख के अपनी वोट की वैल्यू समझेंगे और इकट्ठे होकर अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। जो मुझ में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो हनुमान जी में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो विक्रम सिंह गुर्जर जी के समाज के और संघर्ष के लोग हैं वो लोग, अगर ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो आप बताओ क्या कोई डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को हरा सकता है क्या? इनकी सिफारिश भी बहुत मजबूत मजबूत मेरे पास आई कि आपको जाना है, मगर मैंने इनसे कहा था विक्रम भाई कि जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है, जिनके लिए मैंने 16-16 महीने जेल काटी, जिनके स्वाभिमान सम्मान से मैंने कभी समझौता नहीं किया, और जिनकी लड़ाई लड़ने के कारण मेरे ऊपर गोली चली, मेरी जान लेने का प्रयास किया, वो मुझे इस बार निराश राजस्थान में नहीं करें। वो इस बार पैसे और तमाम सुविधाओं को लात मार के स्वाभिमान सम्मान जो मैंने पैदा किया उनके अंदर महापुरुषों के आंदोलन के को समझाकर वो इस लड़ाई को लड़ने काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके लोग ज्यादा वोट देंगे जिस समाज से ये आते हैं, या हनुमान जी बेनीवाल जिनकी किसानों की कमेरों की लड़ाई लड़ते, वो ज्यादा वोट दोगे या आप लोग ज्यादा वोट दोगे? बताओ, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहले हाथ उठा के बताओ कौन ज्यादा वोट करेगा? पक्का? तो मैं ये कह दूं विक्रम भाई को कि तैयारी कर लें। एक वादा मैं विक्रम भाई से भी चाहता हूं कि इनका साथ मत छोड़ देना। पैसा सब कुछ, ये हाथ का मैल है सब चीजें, लोकतंत्र है। अगर देश के प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, अगर उनको भी प्रधानमंत्री वो बने हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से बने हैं, वरना कोई नहीं बनने देता। राजा महाराजा ही प्रधानमंत्री बना करते, और इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री की बेटी भी अगर प्रधानमंत्री बनी कोई महिला, अगर आज जो राष्ट्रपति हमारी बहन माँ जो सम्माननीय मान्य है जो राष्ट्रपति बनी है, वो भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से बनी है। और अगर आज किसान कमेरों के बेटे आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस संविधान की वजह से लड़ रहे हैं। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से बहुत जरूरी कहनी है, और मैं कहूंगा कि हमारे भावी मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ लें, उनका इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। राजस्थान प्रेम और भाईचारा राजस्थान में बहुत है। हाँ, यह सच है कि सामंतवाद की जड़ें भी मजबूत हैं, उन सामंतवाद की जड़ों को भी काटने का काम आपका गठबंधन करेगा, क्योंकि एक ऐसी एकता है जब गांव में जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे लगते हैं तो बड़े बड़ों की छाती पे सांप लौटता है। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन मुझे ये कहना है आप लोगों से, इस एकता को तो बना के रखना, या आपकी एकता तोड़ने के लिए तमाम प्रयास करेंगे चाहे कुछ हो जाए, अपनी एकता मत टूटने देना। पहली बात मैं सारी सरदारियों कह रहा हूं, लेकिन आपको इस बात से भी खबरदार होना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोग तो सरकार में थे कुछ किया नहीं, लेकिन भाजपा के लोग यहां अमन चैन खराब करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के सहारे पे एक नेता ने बयान दिया कि यहां जितने भी गुरुद्वारे हैं और मस्जिदें हैं ये यहां नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि अगर गुरुद्वारों की तरफ किसने आंख उठाई तो हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ में राजस्थान का अमन भाईचारा बिगाड़ने काम करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर गुरुद्वारों की तरफ कोई आंख उठाएगा
तो फिर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री चैन से सो नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हम अपने प्रदेश को आग में नहीं झुकने देंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों का भी इलाज करना है, और जिन्होंने 5 साल आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की, आपके पेट में लात मारी, उन कांग्रेस पार्टी का भी इलाज करना है। और इलाज करना आपके हाथ में ना तलवार चलानी ना भाला, ऐसे बटन दबाना है। कैसे? आपके अंगूठे में इतनी ताकत है, पहले तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता था, लेकिन अब आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो अपने बीच के व्यक्ति को, जो आपके बीच में बैठा है, उसको जयपुर की कुर्सी पर बिठा देना, और चाहो तो उसके संघर्ष को भुला के थोड़े से स्वार्थ में अपने आने वाली पीढ़ियों को इस मध्य राजस्थान में गुलाम बनने की तरफ आगे बढ़ा देना। आपको फैसला करना है। अगर आपने तय कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सबसे बड़ी ताकत हो, आपके पास वोट है, चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे आम किसान के बच्चे का वोट हो, या किसान का वोट हो, नौजवान का वोट हो, बराबर की कीमत है। आपकी भी वोट एक है, उनकी भी एक वोट है। बस ये आप ये सोचते हो कि भाई हम वोट दे के कांग्रेस को जिता लें, हम वोट दे के भाजपा को जिता लें, आप ये क्यों नहीं सोचते कभी आप भी तो जीत जाओ। भाजपा जीतेगी अपने लोगों का भला करेगी, कांग्रेस जीतेगी अपने लोगों का भला करेगी, और आरएलपी एसपी जीतेगी, और जीतेगी, मुझे भरोसा है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से जीतेगी, और जीतेगी तो वो आप किसान कमजोर लोगों का भला करेगी, आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपके रास्ते खोलेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, राजस्थान में पिछली सरकार बनाने में जो कांग्रेस के लोग, उनको पसीना छूट गया था, 6-7 हमारे लोगों के द्वारा वोट दिए हुए प्रत्याशी जिताने पड़े थे, लेने पड़े थे साथ में। इस बार तो हम लोग 100 से ज्यादा सीटों मजबूती से लड़ रहे हैं, और तमाम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है, इनकी लिस्टें देर से आई थी वजह से। अगर जो 60 सीटें हमारी बहुत टक्कर की हैं, उनमें से ज्यादा जिधर सीटें हमने अगर जिता ली, तो आप ये सोचो कि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहेगी, झंडा डंडा जयपुर में आपका लगेगा, ये बहुत दिनों से बनते आए, हम पे नेता भी है। अभी जब ये मुझे पगड़ी पहनाए विक्रम भाई, तो मुझसे कहे कि आप दूल्हे जैसे लग रहे हो, तो मैंने कहा राजस्थान का तो दूल्हा एक ही, अभी वो थोड़ा काम में बिजी है, उसके ऊपर अकेले के बहुत जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं। मैं तो उनका साथ देने के लिए आया कि भाई दूल्हा भी आप पे मजबूत है, थोड़ा गुस्से वाला है, उसका भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि गुस्सा थोड़ा कम करे। इसलिए अच्छा, जब से मैं हूं गुस्सा कम कर रहे हैं ना, देखे कर रहे नहीं कर रहे, बताओ आप लोग बताओ, संगठन के लोग कर रहे नहीं कर रहे कम? देखो मैं गुस्सा, पता मैं समझता हूं गुस्सा क्यों करते हैं, अपने लोगों की घर, अपने लोगों के समस्या देख के तकलीफ महसूस करते हैं, और फिर देखते हैं कि लोग समझदारी भी नहीं दिखा रहे हैं, तो मन में ये पीड़ा होती है कि जिनके लिए मैंने 25 साल दे दिए, वो खड़े क्यों नहीं होना चाहते, वो गुलामों जैसा जीवन क्यों जी रहे हैं। इसलिए अंदर से ये होती है कि भाई ये सुधरना नहीं चाहते, मैं क्या करूं। एक समय ऐसा था एमपी साहब, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने पास एक छड़ी रखते थे, हमारे पुराने लोग जानते हैं सर, तो जब लोग पैर छूने आते तो बाबा साहब छड़ी मारते, तो एक पत्रकार ने पूछा ये तो आपका सम्मान करते हैं, आप इनको छड़ी क्यों मारते हो? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं छड़ी इनको इसलिए मारता हूं कि आज भी मुझसे मेरे पैर छूके ये उम्मीद करते हैं कि इनकी आज की लड़ाई भी मैं लड़ूं, जबकि मैंने इनको सारे अधिकार दे दिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो इनको ये लगता है कि भाई ये तो खड़े नहीं हो रहे, अभी ये तो समझदारी नहीं दे रहे, तो ये तो पीछे पीछे घूम रहे हैं दूसरे लोगों के झंडा उठा के, अब मैं क्या करूं। लेकिन मैं इनसे वादा करता हूं, अब हम 1 और 1 11 हैं, कितने हैं, और आपका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, तो इस बार अपनी सेवा का मौका जो है वो आजाद समाज पार्टी आरएलपी को दे दो, और फिर देखो जो 50 साल में नहीं हुआ राजस्थान में, वो 5 साल में होकर रहेगा, ये मेरा आपसे वादा। इन्हें भी 5 साल राजनीति नहीं करनी, और मुझे भी 5 साल के बाद जो है आप लोगों को शकल दिखानी है। मैं तो चुनाव खत्म हो जाएगा अगले दिन आपको यही मिलूंगा लड़ता हुआ, इसलिए आपसे कह रहा हूं इस बार अपने मत का गलत प्रयोग मत करना, अपने कीमती वोट को ये तय करके। अब तक आपने कांग्रेस को जिताया भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को जिताया कांग्रेस को हराने के लिए, आप जीते क्या कभी बताओ? अगर जीते हो तो बताओ, आप जीते हो तो बताओ, और नहीं जीते तो जीत जाओ ना इस बार। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं कल, ऐसे आप लोग जो है अपना ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, राजस्थान वाला। और जैसे वहां रोहित जी, शामी भाई, तमाम लोग जो है बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा प्रदर्शन करो, अगले 5-6 दिन मेहनत करो, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करो, और अपनी वोट को संगठित करके अपने झंडे डंडे पे दो, और देखो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और उम्मीद कि राजस्थान अपनी लड़ाई इस बार अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।